हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज एक बहुत ही मजेदार चीज जो कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको भी दे रहा हूँ। मुझे एक हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है कि उनके पास कुछ इस तरह का डेटा है। आप देख सकते हैं कि नाम और नंबर्स हैं, नंबर नाम नंबर मतलब कि टेक्स्ट नंबर मिक्सअप है। उसमें से सिर्फ नंबर्स को निकालना है। जी हाँ, सिर्फ नंबर्स को निकालना है। तो कैसे होगा ये? तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसको करने के लिए वीवीएम में मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज किया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छी चीज है सर। तो बेसिकली एक्सेल से नहीं होने वाला है सर। क्यों नहीं होने वाला है? एक्सेल से अगर इसमें सिर्फ सीक्वेंस होता, मतलब कि सिर्फ नंबर और टेक्स्ट एक साथ होता, मतलब कि सिर्फ 452 सुजीत कुमार, सुजीत कुमार 452, सुजीत 452 कुमार, तो हो सकता था। बट यहाँ क्या है कि टेक्स्ट नंबर मिक्सअप है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, A25 D2 C25 इस तरह से मिक्सअप है। So, इसमें नॉर्मल एक्सेल वर्क नहीं करेगा। इसके लिए प्रोग्रामिंग वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे आता हूं, मैं इंसर्ट मॉड्यूल्स करता हूं और मैं मैग्निफायर ऑन कर लेता हूं ताकि आप कोड को देख सके क्लियरली। तो मॉड्यूल्स के अंदर में हम कर रहे हैं फंक्शन फंक्शंस और मान लीजिए गेट एनएम नाम का ले लिया और यहाँ पे एन एज ए स्ट्रिंग एक फॉर्मूला बना दिया। तो फंक्शन गेट एमएन नाम का एक फॉर्मूला बना जिसमें इनपुट एन स्ट्रिंग होगा। मतलब कि जब मैं एक्सेल के ऊपर हम बात करें तो फॉर्मूला लगाएंगे गेट एनएम के नाम से, ये देंगे। तो ये जो टेक्स्ट है वो एन के ऊपर स्टोर हो गया। जी हाँ, ये जो एन है इस एन के ऊपर टेक्स्ट स्टोर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या होता है कि हर एक करेक्टर, जो करेक्टर हम लेते हैं, हमने यहाँ पे ए लिखा कैप्स में और स्मॉल में, हर का एक स्काई वैल्यू होता है जो कि हम कोड से पता करते हैं। 65 आ गया। ऐसे जीरो का देखिएगा 48 है, मतलब कि 1 से लेके 49 है, 250 है और 9 करते हैं तो 57 है, और उसके बाद ए कैप्स में ए करते हैं तो आपका 65 है, और उसके अलावा और भी जैसे इसका कुछ और है 58 है। तो हर कैरेक्टर का एक अलग अलग कोड है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जीरो हमारा कौन सा है, 48 है, और 9 हमारा क्या है, 57 है। मतलब कि 58 के बाद सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हम अपने वीवीए प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट को डालेंगे। यहां पे हम करते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 58 to 127। नेक्स्ट आई 127 क्यों किया? क्योंकि स्काई वैल्यू में जैसे कि मैं यहां अगर जेड करता हूं और इसके अलावा और भी जैसे दो तीन स्पेशल कैरेक्टर है, स्काई वैल्यू टेबल लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा कैसे टेबल लिस्ट निकाला जाता है। तो ये आपका 4i127 नेक्स्ट आई कर दिया। उसके बाद मैं उससे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं कि डिम एस एज ए स्ट्रिंग और एस इक्वल टू हमको देते हैं एन, ऊपर एन है। फिर s इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सब यहाँ पे रिप्लेस का, रिप्लेस में हम बोलते हैं s को s के अंदर CHR क्या करता है, नंबर को कोड में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लैंक से रिप्लेस करता है। तो जितने भी करेक्टर है एबीसीडी से बड़ा छोटा जो भी करेक्टर है नंबर्स के अलावा, क्योंकि हमने देखा कि 57 से पहले नंबर है, तो 58 के बाद जितने भी करेक्टर होंगे वन बाय वन करके सारे की रिप्लेस कर देगा। जो नहीं होगा और जो एस पे बचेगा वो क्या बचेगा, आपका नंबर बचेगा, क्योंकि नंबर रिप्लेस नहीं करेगा। तो बाद में गेट अंडरस्कोर एम एन
इक्वल टू एस, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं फराता था, यहाँ देखिए रिजल्ट, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसे सुजीत 458 लिखा और फिर हमने यहाँ पे इक्वल यहाँ पे गेट एमएन कर दिया और एंटर प्रेस करता हूँ तो नंबर आएगा, या फिर मैं लिख दूँ सुजीत 45 कुमार 65 सिंह, 4565 हमारा आ गया। अब ए फॉर्मूला इस तरह से इसको यूज करते हैं। ए फाइल आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे साथ फ्री लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग 3 क्लासेज एज ए डेमो फ्री देते हैं, तो 2-3 क्लास डेमो ज्वाइन करके देखिए iptindia.com पे, अच्छा लगा तो कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट वीबीए प्रोग्रामिंग, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।